8 तारीख तक नहीं करें तो 9 तारीख मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा डबल साउंड से उधर हम रिकॉर्ड डालने वाले हैं। मस्जिद के ऊपर चार चार भुंगा लगा के, छः छः भुंगा लगा के कितना डेसिबल आते हैं मालूम है आपको? 600 डेसिबल आज आ रहा है, निकल रहा है लाउड स्पीकर से। This video is brought to you by Kuba Soil Conditioners, manufacturer of organic manure. कर्नाटक में पिछले 6 महीने से हम आजान के खिलाफ आंदोलन करते करते अब तक आया है। नवंबर में तहसील कचहरी से हम इस कर्नाटका गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम दिया था जो मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर हटाने के लिए, लेकिन अब तक वो लाउड स्पीकर के ऊपर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, उनके खिलाफ कोई भी कानून कार्रवाई नहीं हुआ है। इसके वास्ते हम इसी महीने 8 तारीख डेडलाइन दे रहा है गवर्नमेंट को, 8 तारीख तक ये अनधिकृत लाउड स्पीकर जो है वो लाउड स्पीकर निकलना चाहिए, जो नहीं निकलेगा उनके ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए। इसलिए हम 8 तारीख तक एक टाइम दे रहा है, 8 तारीख तक नहीं करे तो 9 तारीख मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा डबल साउंड से उधर हम रिकॉर्ड डालने वाले हैं और मंदिरों के ऊपर भी सुप्रभात डालने वाले हैं। उस समय जो भी गड़बड़ हुए तो उसका जिम्मेदारी कर्नाटका गवर्नमेंट लेना पड़ेगा। इसके वास्ते सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया है वो आदेश पालन करने के लिए हम गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। सर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मंदिर कहाँ है सर, लिमिट कहाँ है? मंदिर या मस्जिद में हो तो कितना है? 55 डिसिबल है। 55 डिसिबल बोले तो हम जो आपके साथ बात कर रहे हैं इतना ही, लेकिन मस्जिद के ऊपर चार चार भुंगा लगा के, छः छः भुंगा लगा के कितना डिसिबल आते हैं मालूम है आपको? 600 डेसिबल आज आ रहा है, निकल रहा है लाउड स्पीकर से। ओ सुन के हम चुप रहे ना क्या? इधर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उल्लंघन नहीं हो रहा है क्या? क्यों ऐसा कर रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी किया है, अब तक मंदिर गुरुद्वार और मस्जिद के 40,000 लाउड स्पीकर नीचे उतरा है। इधर क्या कर रहा है हमारा कर्नाटका गवर्नमेंट? इनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करने को नहीं आता क्या उनको? इसीलिए हम दबाव डाल रहे हैं, 8 तारीख डेडलाइन, उसके अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जो गड़बड़ होता है उसका जिम्मेदारी पूरे गवर्नमेंट सरकार कर्नाटका गवर्नमेंट लेना पड़ता है। इधर कुछ लोग बुद्धिजीवी और सेकुलरिज्म बोलते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, सूफी संतों का नाड़ है। वही सूफी संत कबीरदास ने क्या बोला, मुल्ला होके अल्लाह को बांग पुकारे तो अल्लाह क्या बहरा है, मुंगी के पाँव में गुंगूर बजाए तो भी अल्लाह सुनता है, फिर पुकारते क्यों? ऐसा जो संदेश दिया है कबीरदास, वो कबीरदास का संदेश सब लोग पालन करना चाहिए। कबीरदास का संदेश और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेके हम आंदोलन कर रहा है, वो गवर्नमेंट मानना चाहिए, मान के उनके ऊपर खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है।